तो टुडे वी विल स्टार्ट दी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एक आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में एक कॉमन टॉपिक है, तो काफी सिलेबस में रहता है और काफी क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है आपकी, ये आपका हीट एनर्जी और वर्क, इसमें जो है हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स का जो है थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है आपकी हीट एनर्जी वर्क वगैरह को हम आपस में इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो एनर्जी की जो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी होती है वो आपकी थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग करते हैं। और आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है ये बेसिकली थ्री लॉस पर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तीनों लॉज जो है लोगों ने बहुत ही ऑब्जर्वेशंस पर और बहुत सोच विचार कर ये थर्मोडायनेमिक्स बनाया, उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी हैं, तो इन लॉज पर बेस्ड ये आपकी थर्मोडायनेमिक्स जो है ब्रांच है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग इन सब चीजों की एनर्जी वर्क वगैरह कैसे कन्वर्ट होते हैं हीट, तो हीट जो है आपकी एक एटरेंडम फॉर्म है एनर्जी, किसी भी सिस्टम की अपनी जो एनर्जी होती है, वर्क वो आपकी एनर्जी होती है जिसको हम यूजफुल तरीके से यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो तीनों ही आपके आपस में इंटरकन्वर्टेबल है और इनकी यूनिट जूल है। ठीक है, तो इन सब चीजों के रिलेशनशिप्स के बारे में ही हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के जो है हमारे को बेनिफिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। थर्मोडायनेमिक्स के आपके जो बेनिफिट्स हैं, आपको पता चल जाता है कि भाई पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस में कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। दूसरा आपका जो है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कितनी परसेंट वो रिएक्शन होगी, इक्विलिब्रियम कहां पर अटेंड होगा, इस बारे में भी हमारे को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉस आपके डिराइव कर लेते हैं, जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इन सबको भी हम लोग इनसे डिराइव कर लेते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हमारे को सारी हेल्प मिल जाती है, और किसी भी रिएक्शन में कितना हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी इसकी भी हमारे को काफी सारी इंफॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी से मिल जाती है। तो आज की पूरी दुनिया किस चीज के पीछे भागती है, एनर्जी के बारे में पीछे। एनर्जी तो चाहिए हम लोगों को, पेट्रोल है, खाने पीने की चीजें हैं, सब एनर्जी तो देती है, इसका हम यूज करते हैं। तो एनर्जी की रिलेशनशिप्स के बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो लिमिटेशंस भी हैं कि जहां पर जाकर आपकी थर्मोडायनेमिक्स चीजों को नहीं बता पाती है, तो फर्स्ट है आपका इट टेल्स फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो ये फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन तो बताती है, बट इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है इस बारे में कुछ नहीं बताती है। ठीक है, इसकी जो हम स्टडी करते हैं वो किसमें करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये आपकी एक लिमिटेशन है। दूसरा, इट डील्स इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। It does not deal about the path, किस path से जा रही है। ठीक है, तो path के बारे में no information।
अब यदि हमारे को किसी रिएक्शन में मान लो कोई चेंज करना है तो हमें उसका मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, जब मैकेनिज्म पता होगी तभी हम उसमें कुछ चेंज कर पाएंगे, तो उस बारे में हमें थर्मोडायनेमिक्स कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती है। थर्ड, इट डील्स इन बल्क प्रॉपर्टीज। लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब में ये डील करती है, बट इट डज नॉट डील इन एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूगरेशन। तो इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में ये डील नहीं करती। तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में डील नहीं करने की वजह से सब्सटेंसेस की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी या किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो सकती है उन बारे में नहीं स्टडी करती। वो सब चीजें हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल वगैरह टॉपिक्स में, जिससे हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बेहतर प्रिडिक्शन करनी सीखते हैं। अब जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी यूज करनी है पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उनके बारे में डिटेल में चीजें आगे। तो आपका जो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग तीन वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम, एक सराउंडिंग और नंबर थ्री बाउंड। तो सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सराउंडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स इज कॉल्ड आपका यूनिवर्स। और जैसे मान लीजिए आप एक पानी ग्लास का कंटेनर ले लेते हैं, पानी ग्लास में, ठीक है, उसको हीट कर रहे हैं, तो दैट इज द सिस्टम। और जो उसके चारों तरफ एनवायरमेंट है हमारा, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो है आपका बाउंड्री आपकी जो है वो आपका आइसोलेट करती है। इसको क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं कि बाउंड्री जो है आपकी सरफेस रिजिड है कि नॉन रिजिड। जैसे पानी का ग्लास लिया हमने तो वहां पर जो वॉल है वो उसकी रिजिड है, नॉन रिजिड जैसे गुब्बारे की वॉल होती है आपकी। और इसको एक तरीके से और भी क्लासिफाई कर लेते हैं, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। रियल जो है आपकी, जैसे पानी का मान लीजिए आपने यहां ग्लास ले लिया कंटेनर में, तो यहां जो वाटर है तो ये जो है आपकी रियल है और ये जो है एटमॉस्फेयर से अलग है, यहां पर कोई बाउंड्री है नहीं, लेकिन हम एक इमेजिनरी बाउंड्री मान लेते हैं, ठीक है। और आपका जो है डायथर्मिक एडियाबेटिक का मतलब क्या है कि इफ सिस्टम कैन एक्सचेंज विद हीट विद सराउंडिंग। डायथर्मिक मीन्स If system can exchange heat with surrounding, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग डायथर्मिक। एंड एडियाबैटिक, इफ सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज हीट विद सराउंडिंग, दैट इज एडियाबैटिक। ये आपकी परमिएबल भी हो सकती है और नॉन परमिएबल भी हो सकती है। परमिएबल मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सकता है, नॉन परमिएबल मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप लोग पढ़ते होंगे कि सेल वॉल जो है और ये
जो होती है सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, तो उसमें वो किसी को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है पास करना, लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं करती, तो वो एक अलग टाइप की और बाउंड्री आती है। तो फंडामेंटली हम बाउंड्रीज की ये क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम सराउंडिंग्स और बाउंड्री के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसके इन वर्ड्स का हम लगातार यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? विच कैन एक्सचेंज मैटर एज वेल एज एनर्जी, ठीक है, वो आपका ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम विच नाइदर कैन एक्सचेंज एनर्जी नॉर कैन एक्सचेंज मास विद सराउंडिंग्स, दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम किसी भी सिस्टम की वो स्टेट है जिसमें उसकी कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। ये किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जरूरी होती है और इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स भी कहते हैं। स्टेट जो है इस पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम लोग एक वर्ड और काफी यूज करते हैं, स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन आपकी वो प्रॉपर्टीज है विच डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपके स्टेट फंक्शन है, ये आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वर्क जो है वो आपका पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीवी वर्क की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो आपका पाथ पर डिपेंड करता है, तो दैट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, वर्क इज हेयर पाथ फंक्शन। तो कोई भी टर्म आपकी स्टेट फंक्शन आपकी है या नहीं है, इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। उसकी कुछ कंडीशंस होती है, फर्स्ट जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और साइक्लिक जो आपका वर्क होता है, साइक्लिक जो आपका स्टेट फंक्शन होता है, उसका यदि हम साइकिल सम करें तो दैट इज इक्वल टू जीरो जीरो और इट फॉलोज द यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सो कोई भी यदि आपका स्टेट फंक्शन है वो इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, फर्स्टली आपका जो उसमें चेंज होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आपका फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट हुआ, और उसके स्मॉल चेंजेस किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन के स्मॉल चेंजेस का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू जीरो, और यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉलो करता है, जैसे फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो फाई आपका जब एक्स एंड वाई का फंक्शन है तो आपका फाई का आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, वाई को कॉन्स्टेंट रखें, जो कुछ आए उसका आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x को कांस्टेंट करें, इसका उल्टा करें कि पहले x आपका जो ये है ये आपका y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट डिफरेंशिएट करें इसको, ठीक है, उसके बाद जो है फिर x को कांस्टेंट रखें, y को कांस्टेंट रखते हुए x के रेस्पेक्ट में करें, तो दोनों जो डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएशन है वो आपका सेम आता है।
जब वो सेम आता है तो इससे पता चलता है कि कोई भी जो आपका वो वेरिएबल है वो स्टेट फंक्शन है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि पी आपका स्टेट फंक्शन है या नहीं, तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, ठीक है। तो आपने बना लिया इसको पी इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी, ठीक। तो आप जो हो पहले इसमें जब यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाए तो आपका डेल पी बाय आप क्या कर दें डेल वी, टी को कांस्टेंट रखें जो कुछ आए उसको वी को कांस्टेंट रखते हुए फिर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें। तो आपने क्या करा इस पर डेल पी बाय आपका डेल वी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस एन आर टी अपॉन वी स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट जो है जो ये जो आया आपका डेल पी ओवर डेल वी, ठीक है, टी को कांस्टेंट रखा था, अब जो है आपने इसका वी रखा और डेल ओवर डेल टी करा, तो इसका जब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे टी से तो ये आपका क्या रहेगा माइनस एन आर अपॉन वी स्क्वायर। अब जो है आप इसका अपोजिट करके देखें कि पहले टी से करें, पहले आप क्या करें डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और जो कुछ भी आए उसका कॉन्स्टेंट टी पर डेल ओवर डेल पी करके देखें, डेल ओवर डेल पी करके देखें, तो आपका क्या आएगा कि आपने जो है इसको निकाला डेल पी बाय डेल टी को एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो आपका क्या था एनआर टी अपॉन एनआर टी टी का तो बना जाएगा आपका तो एनआर बाय वी हो जाएगा। अब इसका आप वी के रेस्पेक्ट में करें डेल पी ओवर डेल टी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और फिर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर डेल ओवर डेल टी, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का एनआर अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपकी सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये यूलर रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से आप प्रेशर को भी प्रूव कर सकते हैं कि पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वॉल्यूम को प्रूव कर सकते हैं वी इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी, तो इसमें भी आप डिफरेंशिएट करेंगे दो बार आप तो आपके सेम ही आंसर्स आएंगे। ऐसे टेम्परेचर को भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो इनसे पता चल जाता है कि आपके स्टेट फंक्शन है या नहीं।